हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू रिफंड मनी फ्रॉम स्विगी। तो यहाँ पे आपको किसी भी रीज़न की वजह से अपना रिफ़ंड लेना है, चाहे आपने ऑर्डर कैंसिल किया है या कोई और रीज़न है जिससे आपको रिफ़ंड लेना है, तो कैसे यहाँ पे लेना है यही इस वीडियो में आपको बताऊँगा। वीडियो एंड तक देखना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप देख सको। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन आपको जीमेल के थ्रू बताऊँगा। जीमेल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा आपको। यहाँ पे सेम प्रोसीजर फॉलो कर लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नेम का कॉलम, उसमें आपको अपना पूरा नाम लिख देना है जो भी आपका नाम है। उसके बाद यहाँ पे स्पेस देंगे और लिखेंगे नंबर का कॉलम। नंबर के कॉलम में आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर लिख देना है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको डेमो के लिए और बताने के लिए 1 2 3 4 5 लिख के बता रहा हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे स्पेस दे के लिखेंगे रिक्वेस्ट का कॉलम। रिक्वेस्ट के कॉलम में बताना चाहता हूँ जो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ वही सेम टू सेम मेरा कॉपी करके लिख लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे प्लीज़ रिफंड माई मनी फ्रॉम स्विगी एज सून एज पॉसिबल। इसके बाद आपको स्पेस देना है और नीचे लाइन कंटिन्यू करते हुए लिखना है थैंक्स एंड वॉर्म रिगार्ड्स। उसके बाद ऊपर सब्जेक्ट के कॉलम में उसी से रिलेटेड लिख देंगे हम मनी रिफंड रिक्वेस्ट इन स्विगी। यहाँ पे स्विगी मेंशन करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि रिक्वेस्ट के कॉलम में ऑलरेडी हमने मेंशन किया हुआ है। वो सब लिखने के बाद आपको यहाँ पे स्विगी की जीमेल आईडी डालना है, वो उसके एप्लीकेशन से मिल जाएगी, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर आपको अपना ईमेल अच्छे से एक बार चेक करना है, जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो प्रॉपर और करेक्ट होना चाहिए और उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना ईमेल यहाँ पे सेंड कर देना है। सेंड करने के कुछ देर के बाद रिप्लाई आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है और 24 आवर्स के अंदर ही आपका रिफ़ंड आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है पहला ऑप्शन जहां पे आप जीमेल के थ्रू अपना यहां पे रिफ़ंड ले सकते हैं। और अब हम लोग बात करेंगे सेकंड ऑप्शन की। तो यहां पे आपको डायरेक्टली कस्टमर केयर से बात करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं बता देता हूँ कैसे बात करना है। यहाँ पे दोस्तों जब आप स्विगी एप्लीकेशन ओपन करते हो वहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट या फिर कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन देखने मिलेगा। वहाँ पे आप कस्टमर केयर के साथ लाइव चैट करके भी बात कर सकते हैं और वाया कॉल के थ्रू भी बात कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कस्टमर केयर को बताना है कि आपको किस चीज़ का रिफ़ंड यहाँ पर चाहिए, आपका ऑर्डर कैंसिल या जो भी आपका रिफ़ंड है वो आपको बताना है। उसके बाद आपको पूछना है रिफ़ंड लेने का क्या प्रोसेस है। अब जो प्रोसेस आपको कस्टमर केयर बताएंगे स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस को फॉलो करना है, उसके बाद वहाँ से भी आप अपना रिफ़ंड ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैंने दो अलग अलग मेथड बताया है, दोनों में से कोई भी यहाँ पे मेथड ट्राई करके आप अपना रिफ़ंड ले सकते हैं स्विगी में से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा वाला मेथड आपने ट्राई करके यहाँ पे स्विगी में से रिफ़ंड ले लिया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। ओके बाय।